हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको तो पता ही है, सर्दियाँ चल रही है, बीमारियाँ चल रही है, तो इसलिए बच्चों में एनर्जी होना ज़रूरी है। तो उस एनर्जी के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सा ओट्स सेरेलेक, जिसे बनाना भी उतना ही आसान है लेकिन डिलीशियस भी उतना ही होता। तो उसके लिए मैंने ये सफोला का ओट्स लिया है। ये 1 किलो का पैकेट है लेकिन मैं इसमें आधा यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बहुत दिन तक के ये चल जाते हैं। बाद में आप चाहो तो पूरा भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप बाद में, जैसे मैं बाद में यूज़ करूँगी, आप बाद में यूज़ कर सकते हो। बस एक अच्छे से पैन लेना है, उसमें घी ऐड करके ये जितना आपको क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में हम लोग ओट्स इसमें डाल देंगे। ये कोई मसाला ओट्स नहीं है, ये सिंपल सादा ओट्स है, क्रीमी ओट्स। आप देखिए, उसको अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि हमारा कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा ब्राउनिश कलर आ गया है हमारे ओट्स को भूनने के बाद। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे एक मिक्सर जार में लेके पीस लेंगे एकदम बारीक। इसका पाउडर हमें बनाना है। देखिए कितना अच्छा पाउडर बनके तैयार हो गया है। आप हाथ में लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मस्का है एकदम से। ऐसे ही पूरा हम लोग अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। अब इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं बहुत टाइम तक के, क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे एक एयर फ्रेश कंटेनर में हम लोग ले लेंगे, उसमें अच्छे से इसको रख देंगे। देखें तो चलिए अब मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। बहुत झटपट ईजी रेसिपी है। बस आपको एक पतीली लेनी है, उसमें 1 कप हम लोग दूध डाल देंगे। उसके बाद में उसमें हम लोग 2 खजूर ऐड कर देंगे। खजूर के मैंने बीज निकाल दिए। इससे आपको शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप शुगर फ्री बना रहे हो। इसमें ज़रा सा भी शुगर ऐड नहीं हुआ है। बस इसी खजूर को हम लोग अच्छे से ऐसे मतलब घोट लेंगे, ताकि इसका जो मीठापन है वो दूध में ऐड हो जाए अच्छे से। देखिए उसके बाद में हम लोग 2 चम्मच इसमें हमने अभी जो ओट्स बनाया है, ओट्स का सेरेलेक, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 चम्मच में प्योर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। और इसको अच्छे से बस मिक्स करना है 2 मिनट के लिए, और ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही हेल्दी डिलीशियस सेरेलेक होममेड रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।